अपने फ्रिज की सफाई करते हुए मैं हमेशा उलझन में रहता हूँ कि इसमें से क्या खाना सेफ रहेगा और किस चीज़ को मैं फेंक सकता हूँ। ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है यार, खास करके जब इंटरनेट पर इतनी अफवाहें फैलती रहती हैं। मेरा मतलब वो हरे आलूओं के जहरीले होने की कहानी सही है क्या? चलिए पता लगाते हैं इन 10 हेल्पफुल टिप्स से। नंबर 10, जब ऑलिव ऑयल से ऑलिव की खुशबू गायब हो जाए। किसी भी वेजिटेबल ऑयल में कोई खास खुशबू होती है? यूजली ऐसा इसलिए नहीं मानता मैं क्योंकि वाकई उनमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, लेकिन ऑलिव ऑयल की बात अलग है। ऑलिव ऑयल मींस जैतून के तेल में जैतून की ही खुशबू होती है। अब एक्सपर्ट्स की सुनिए, वो कहते हैं कि पुराने ऑलिव ऑयल में बासी पीनट्स या बच्चों के ड्राइंग क्रेयंस जैसी महक आने लगती है। अरे यार, कहाँ ऑलिव और कहाँ क्रेयंस। उधर अवार्ड विनिंग शेफ मार्कस की भी राय है कि फ्रेश ऑलिव ऑयल की महक बिल्कुल ऑलिव सी होनी चाहिए। अब तो यार हद ही हो गई। ये सुनिए, पुराने ऑलिव ऑयल का स्वाद गोंद जैसा या पुराने मोटर ऑयल जैसा भी हो सकता है, लेकिन यार इससे मन में एक और सवाल खड़ा होता है कि गोंद या मोटर ऑयल आखिर चखा किसने होगा। अब ये मत बोल देना कि वॉशिंग पाउडर के बाद मार्केट में आने वाली ये लेटेस्ट डिश है। नंबर 9, ग्लू से जोड़ा हुआ मीट। सोचिए आपकी प्लेट में जो मीट है उसका स्वाद कुछ गोंद जैसा हो तो? हो गया ना दिमाग का गोंद, मेरा मतलब दही। मेरे चटोरे भाइयों और बहनों, ये सच भी हो सकता है क्योंकि कई दुकानदार सस्ते और महंगे मांस को चिपका कर आपको जमकर चूना लगा सकते हैं। अब इन स्टेक्स पर नजर दौड़ाइए, इनमें दिखने वाले पीले जॉइंट्स वो जगह हैं जहां पुराना मांस जोड़ा गया है और इसमें काम आता है ट्रांसग्लूटामिनेज नाम का एंजाइम। परेशानी तब शुरू होती है जब बीच में चिपकाया हुआ पुराना मांस पक नहीं पाता। इसी पुराने मांस में बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं जो कि कुकिंग के वक्त कम गर्म होने से खत्म नहीं हो पाते। रिजल्ट उसके बैक्टीरिया पूरे स्टेक को खराब कर देते हैं। तो बताइए, ग्रोसरी शॉप पर ऐसे स्टेक्स की पहचान कैसे करेंगे? एक सही स्टेक की पहचान ये है कि उसमें वो पीले और डाउटफुल जोड़ नहीं दिखेंगे। USDA के निर्देश हैं कि अगर आप कुकिंग में ट्रांसग्लूटामाइनेट नाम के एंजाइम का काम लेते हैं तो उसका नाम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में भी शो करना कंपलसरी है। लो भाई, इंसान तो इंसान, एंजाइम भी परेशान करने में पीछे नहीं है। अब यहाँ मजे की बात यह है कि केटरिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सर्व किया जाने वाला फिले मेग्रोन ऐसा ही दो तरह के मांस को जोड़कर बनाया गया है। तो अब की बार आप ये जानने की तकलीफ जरूर उठाइए कि एल्मोस आपके मेन्यू का हिस्सा तो नहीं है। नंबर 8, तैरने वाला अंडा। किसी दिन अंडा और स्टेक खाने का मूड हो तो पहले अंडे की फ्रेशनेस जांचना कोई बुरा आइडिया नहीं है। इसके लिए शायद आप एग्स को ठंडे पानी के बाउल में डुबोना चाहें। तरीका चाहे ओल्ड फैशन लगे लेकिन सही और काम का भी है। खराब अंडा पानी पर तैरेगा लेकिन अगर डूब जाए तो समझो अंडा फ्रेश है। रहस्य जानना चाहेंगे, है ना? तो कहानी ऐसी है कि अंडे का छिलका दिखता भले सॉलिड हो लेकिन होता पोरस है। मतलब ये कि उस पर बहुत बारीक छेद होते हैं जिनसे हवा अंदर जा सकती है। वक्त बीतने के साथ पुराने अंडे के पोरस छिलके में से हवा अंदर की झिल्ली में जमा होने लगती है जो उसे डूबने नहीं देती, जबकि ताजे अंडे में ऐसा नहीं होता और वो डूब जाता है। पॉसिबल है अंडे में हवा भी जमा हो गई और वो खराब भी ना हुआ हो, फिर भी उसे डस्टबिन के हवाले करना बेहतर होगा। नंबर 7, ताजा सब्जियां जो पीली पड़ जाती हैं। आप सैलड ना खाने का कोई सॉलिड बहाना ढूंढ रहे हैं तो तलाश समझो हो गई खत्म। बात यह है कि फ्रेश सब्जियां वक्त के साथ अपना असली रंग खोकर अक्सर पीली पड़ने लगती हैं, जैसे कि ब्रोकली और केल। पुरानी होने के साथ अपना रंग खोकर पीला पड़ना इन सब्जियों की कमजोरी है। प्याज और सेलरी को उनका पीला हिस्सा काटकर कुछ देर बर्फ के पानी में रखने के बाद उपयोग में लाया जा सकता है। मुरझाए हुए लेटस और दूसरी ग्रीन वेजिटेबल्स काम में आ सकती हैं अगर उसका बदरंग हिस्सा काट दिया जाए, लेकिन सब्जी कोई भी हो अगर फफूंद लग गई तो भैया फिर फेंक ही दो। कैन फूड, ये बताना मुश्किल है कि कैन फूड खराब हो गया है क्योंकि ये एक कैन है, अंदर है और जब मैं इसे खोलता हूँ तो इसके कंटेंट भले ठीक हों लेकिन पेस्ट बन जाते हैं। आपको शायद लगता होगा कि कैन में रखने से खाना अच्छा रहता है, लेकिन भाई इसमें कई बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि बॉटुलिज्म। तो फिर क्या करना चाहिए? चिंता मत कीजिए, अगर आपका खाना खराब हुआ है तो बहुत से तरीके हैं पता लगाने के। अगर कैन सील्ड है और इसका ढक्कन फूला हुआ है और दबाने पर अंदर बाहर हो रहा है तो भैया उसे फौरन फेंक दो। यह अक्सर तब होता है जब कैन में लीकेज होता है या उसको कुछ ज्यादा ही ठंडे या गर्म स्टोर में कर दिया गया हो। जंग लग रहा हो तो भी चिंता की बात है क्योंकि इस सड़न से बारीक छेद हो जाते हैं जिसमें से बैक्टीरिया घुस सकते हैं। अगर कैन खुलते ही एक्सप्लोड हो जाती है
तो ये बुरा साइन है। और अगर खुलने पर कैन से हिसिंग साउंड आ रहा है या तेज स्मेल है तो भैया उस कैन को हमेशा के लिए बंद कर दो। कभी कभी वैक्यूम पैकिंग की वजह से भी हिसिंग हो सकती है, लेकिन अगर जोर से फुफकार रही है मतलब कि फूड खराब हो चुका है और हवा से रिएक्ट कर चुका है जिससे प्रेशर बन गया है। और अगर कैन पर डेंट लगा हो तो ये हार्मलेस लगती है, खासकर जब मार्केट में $1 की 5 मिल रही हो तब। लेकिन दोस्त, उस डेंट से भी एयर टाइट सील कॉम्प्रोमाइज हो सकती है जिसमें से बैक्टीरिया घुस सकता है, इसलिए अगर कैन की सील टाइट है तो ही खरीदना, नहीं तो जहां से उठाई है वहीं पर रख देना। नंबर 5, ज्यादा पकी और ज्यादा नरम कीवी ना खाएं। कीवी जैसा ट्रॉपिकल फल सर्दियों में स्टोर्स में भरा रहता है। जो भी हो, कीवी भी फाइनली खराब हो सकती है। और अगर ये खराब कीवी आपकी डिनर टेबल पर आ गई तो मानो ना मानो ये आपकी पूरी विंटर वेकेशन स्पॉइल करने की ताकत रखती है। इसलिए कीवी खरीदते समय ध्यान रखें कि वो फर्म हो और उस पर रिंकल या डार्क धब्बे ना हो। कुछ कीवीज तो लगता है कि हाथ नरम करने वाली क्रीम के एडवर्टीजमेंट का हिस्सा है क्योंकि उनकी स्किन बेहद नरम दिखती है। जी हाँ, आपको ये कीवीज भी नहीं चाहिए। दबाने पर कीवीज की स्किन हल्की सी दबनी चाहिए। अगर कुछ ज्यादा ही दब रही है तो पूरे चांसेस हैं कि कीवी जरूरत से ज्यादा पकी हुई है। वहीं एक बेहतरीन कीवी सिट्रस सी महकती है और ये खुशबू बताती है कि कीवी ताजा है। हाथ में अगर कोई नरम स्पॉन्ज जैसी कीवी आ जाए तो बिना मुंह देखे उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दें। नंबर 4, हरे आलू खतरे की घंटी। पूरी दुनिया की तरह मैंने भी पढ़ा है कि हरे आलू खाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वही इंटरनेट ये भी कहता है कि मेरे पड़ोस की खूबसूरत कुंवारी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं और मिलना चाहती हैं। ये बात आधी भी सही साबित नहीं होती, लेकिन वो हरे आलू वाली कहानी एकदम सही है बॉस। बात यह कि हरे आलू में सोलेनिन नाम का एक टॉक्सिन अच्छी खासी मात्रा में होता है जिससे आपको उल्टियां, सिरदर्द और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। असल में ये टॉक्सिन आलू में लगने वाले कीट पतंगों की रोकथाम करते हैं। लंबे समय तक ज्यादा रोशनी और तापमान के संपर्क में रहने से आलू में इसका लेवल बढ़ जाता है। और मैं आपको बता दूं, हरे आलू में ये दिक्कत उनके स्टोरेज के समय नहीं आती, लेकिन फिर भी इन आलुओं को सूखी और ठंडी जगह स्टोर करना ठीक होगा। आलू का हरा हिस्सा आपको बीमार करके आपकी रंगत भी हरी कर सकता है, इसलिए इस हिस्से को काट ही दें, वो अच्छा रहेगा। नंबर 3, कच्चे रेड किडनी बीन्स। कई लोगों में कच्चे खाने को लेकर बहुत पैशन होता है, लेकिन हर चीज कच्ची थोड़ी अनसेफ और बेस्वाद सा आइडिया है। कम से कम रेड किडनी बीन्स तो किसी योग गुरु के कहने से भी कच्चे नहीं खाइएगा। इनमें पाए जाने वाले लैक्टिस और पाइटोहेमेगिलेटिनिन नाम के टॉक्सिन आपके पेट के सेल्स के लिए घातक साबित हो सकते हैं, जिसका रिजल्ट हो सकता है उल्टी और पेट दर्द। यूं तो दूसरे बीन्स में भी ये टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, लेकिन रेड किडनी बीन्स में इनका कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा ही होता है। इनसे बचना है तो खाने से पहले किडनी बीन्स को कम से कम 5 घंटे पानी में भिगोकर अच्छे से पकाएं। उबालकर पकाने से बेहतर कुछ है ही नहीं भाई। पकाने के लिए कमजोर कुकर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसकी हल्की गर्मी से शायद लैक्टिंग्स खत्म ना हो पाए। अध पके किडनी बीन्स ही काफी हैं किसी आदमी को दवा खाने का रास्ता दिखाने के लिए। नंबर 2, चिपचिपा और भूरा बेकन दाना। किसी पिक को छोड़ दें तो बेकन कौन खाना चाहेगा यार, सॉरी पाउकी, लेकिन खराब बेकन खा के शर्मिंदा भी कोई नहीं होना चाहेगा। इस शर्मिंदगी से कुछ बचने के रास्ते हैं। बेकन के रंग पर गौर कीजिएगा, कीजिए जो कि फ्रेश और चमकीला गुलाबी होना चाहिए, ठीक उस जानवर की तरह जिसका ये मांस है। अगर ये जरा सा भी भूरा या हरा या देखने में कुछ गंदा सा लगे तो उसे फौरन पीछा इससे छुड़ा लें आप। बासी या हाफ कुक्ड बेकन में इकोली या साल्मोनेला बैक्टीरिया का घर होता है जो कि गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। बेकन के लाइफ बढ़ाने के लिए इसे शॉपिंग के सबसे आखिर में खरीदे ताकि रेफ्रिजरेशन के बाहर कम समय तक रहे। घर लौटने पर तुरंत और हाल में फ्रिज में डालें और एक्सपायरी डेट का खास ख्याल रखें। बेकन के लिए दीवानगी बनाए रखिए, लेकिन जब तक कि बेकन कलर टेस्ट में पास नहीं होता। और बेकन अगर बदबूदार है तो प्यार से उसे गुड बाय बोलिए। यकीन मानिए, इस बात पर आपका दिल भी आपको दुआएं देगा। नंबर 1, तरबूज में क्रैक। सही, हेल्दी और गुलाबी खाने की बात तो होती है, लेकिन तरबूज खाने के बारे में क्या कहा जाए ये समझ के बाहर है। पिछले साल इंटरनेट पर एक कहानी बहुत फेमस हुई थी कि तरबूज काटने पर उसके अंदर दरारें दिखें तो ना खाएं, लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी। ऐसे तरबूजों को कई बार होलो हार्ट भी बोला जाता है। इनकी दरारों में शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से तरबूज मिठास में एकदम आगे होते हैं। खेती के दौरान तापमान का एकाएक बढ़ना तरबूज में क्रैक्स पैदा करता है। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि तरबूज की बेल गर्म जगह या साल के गर्म मौसम में बेहतरीन फल देती है। क्रैक्स बीमार कर सकते हैं। इन दावों के बावजूद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स इन्हें हार्मलेस बताते हैं। फिर 2011 में चीन में तरबूजों के फटने की कहानियों से लोगों में डर फैल गया।
लेकिन ये उस केमिकल के वजह से हुआ था जो कि चीन में तो वाटरमेलन की खेती में काम आता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में ये केमिकल अलाउड नहीं है। एक सही तरबूज अपनी साइज के रेशियो में वजनदार और पीला सा दाग लिए होता है, जिसका मतलब तरबूज पूरी तरह से पका हुआ है। इसके अलावा थपथपाने पर अगर तरबूज गहरा और खोखला महसूस हो तो मान लें कि आपने बिल्कुल सही फल चुना है। वहीं ज्यादा पका वाटरमेलन गहरी आवाज नहीं करेगा, तो इस गहरी आवाज का संगीत सुनिए और पका हुआ तरबूज घर ले आइए। तो फूड आइटम्स में आपने अब तक की सबसे घटिया चीज क्या देखी है जिसे खाने का ख्याल भी ना आए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।